ब्यूटोमरिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक लेवल पे हमने इसकी डेफिनेशन याद की होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी ब्यूटोमरिज्म की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कंडीशंस और इसकी कोई 5-6 टाइप्स हैं, हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। मे भी ब्यूटोमरिज्म के ऊपर 2 लेक्चर बने, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं इसको अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहली बात, हमारे पास ब्यूटोमरिज्म होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। यह सर मैं आइसोमरिज्म की टाइप है, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म ये आइसोमरिज्म की टाइप है जो के बन रही होती है, विच अराइज, जो बन रही होती है या पैदा होती है, अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू शिफ्टिंग, शिफ्टिंग होता है मुंतकली, ट्रांसफर कह लो, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से विद इन अ मॉलिक्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है, उससे जो हमारे पास चीज़ बन रही होती है इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड ब्यूटोमरिज्म, इसको हम नाम देते हैं ब्यूटोमरिज्म का। लो जी, ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन आ गई है। अब डेफिनेशन के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स लिखने लगा हूँ दोनों की, एक या दो एग्जाम्पल्स लिख के इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसी है जो हम बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, वो है अमाइनो एसिड की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अगर मैं अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और साथ में एक अमाइनो ग्रुप होगा NH2, सही, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। होता यह है कि यहाँ से एक ट्रांसफर प्रोटॉन जो होता है, यहाँ से एक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, और जिसके नतीजे में हमारे पास एक ज्विटर आयन, इसको ज्विटर आयन फॉर्मेशन भी कहते हैं, ज्विटर आयन भी कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास NH3 पॉजिटिव और साथ में यहाँ पे COO नेगेटिव बन जाए। देखो, एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं ब्यूटोमरिज्म का। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि आपने प्रोटॉन, देखो हाइड्रोजन को हमने यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, आपने हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया, यहाँ से यहाँ पे तो कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो इसकी रीज़न सुन लो। तो जो आपने बेसिक लेवल पढ़ा होगा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट, हम कहते हैं जो अमोनिया है ना, अमोनिया बेस है, क्या है, NH3 किस तौर पर एक्ट करती है, बेस के तौर पर एक्ट करती है, क्यों बेस के तौर पर एक्ट करती है, बिकॉज इट हैज़ अ लोन पेयर, इसके पास क्या है जी, हमारे पास लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर लोन पेयर। अब होता यह है कि यह वाली चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हमेशा ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा क्या कर सके, प्रोटॉन डोनेट कर सके, प्रोटॉन दे सके, उसको हम हमेशा एसिड का नाम देंगे। अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, डैट्स वाई प्रोटॉन इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू द अमाइनो ग्रुप, इसलिए हमेशा जो प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइनो ग्रुप की तरफ होती है। भाई, ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास पहली एग्जांपल, अमाइनो एसिड की एग्जांपल है, और इस चीज़ को ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। देखो, ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज भी नज़र आ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी नज़र आ रहा है। इस तरह के अगर केसेस आ जाते हैं तो उसको हम ज्विटर आयन फॉर्मेशन या ज्विटर आयन का नाम देते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, एक है कीटोइनोल फॉर्मेशन, मसलन इसमें आप कीटो ग्रुप ले लो, CH3 सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये कीटोन है, याद रखिएगा ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, कीटोन है। अब होता यह है कि ये कीटोन में, इसी कीटोन में यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ से CH3 यहाँ पे OH बन जाएगा, और यहाँ पे CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा डबल। अब देखो, डबल बॉन्ड बनने की वजह से इसको हम नाम यहाँ पे लिखते हैं EN, और ये आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, ANE सिंगल बॉन्ड के लिए, ENE डबल बॉन्ड के लिए, YNA ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे EN लिखा है मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, और अल्कोहल के लिए वर्ड OL यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इनोल आ गया, और ये हमारे पास कीटोन है, ये हमारे पास क्या है, कीटोन है।
लेकिन हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, दो एग्जांपल एनफ हैं, आगे मज़ीद टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, उन टाइप्स के अंदर एक एक एग्जांपल दे देंगे, एक एक दो दो एग्जांपल वहाँ पे देख लेंगे। चलो जी, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे डिस्कस करनी है, यह है इसकी रिक्वायरमेंट्स के ट्यूटोमरिज्म शो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, या फिर रिक्वायरमेंट नहीं कहना चाहते तो आप इसको कंडीशंस कह सकते हो, हेडिंग दे दो रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन, रिक्वायरमेंट और कंडीशंस। सही है, हमारे पास चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर इसको कंडीशंस कह लो ट्यूटोमरिज्म शो करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसके साथ स्लाइटली एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। मतलब मैं अभी समझाता हूँ, अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग स्लाइटली एसिडिक ग्रुप, अ कंपाउंड शुड बी पोलर। जो कंपाउंड ट्यूटोमरिज्म का फिनोमेना शो करे वो पोलर होना चाहिए एंड हैज स्लाइटली एसिडिक ग्रुप, और इसके बाद स्लाइटली एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। क्या मतलब कि पोलर होना चाहिए? देखो, हमारे पास सिंपल सी बात है, अब ये वाली चीज़ एसिडिक ग्रुप है। अब देखो, प्रोटॉन को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, एसिड कौन सी चीज़ होती है जो प्रोटॉन पैदा करे? अगर आपके पास कोई एसिडिक ग्रुप ही नहीं होगा, प्रोटॉन पैदा ही नहीं होगा। जब प्रोटॉन पैदा नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी नहीं होगा। सो, पहली कंडीशन उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कंपाउंड। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है, कहता है आपके प्रोटॉन की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। देखो, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कहता है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ प्रोटॉन शुड बी अकर ट्यूटोमरिज्म के लिए। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में तब्दीली आनी चाहिए जी, चेंज इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन अकर, कि प्रोटॉन की पोजीशन में तब्दीली आनी चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी बॉन्ड लेंथ के हवाले से। किसके हवाले से है? बॉन्ड लेंथ के हवाले से है। तो वो ये कहता है जी, आपका प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये एक बॉन्ड लेंथ मौजूद है, एक बॉन्ड लेंथ ये मौजूद है। कहता है आपका बॉन्ड पहले जितनी बॉन्ड लेंथ थी और बाद में जो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद की बॉन्ड लेंथ है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। सही है, ट्यूटोमरिज्म हैज़ नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड, ट्यूटोमरिज्म हैज़ नो इफेक्ट, इसका कोई असर नहीं होना चाहिए, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ और सच फीचर्स, बॉन्ड लेंथ और सच फीचर्स, और इस तरह के किसी भी फीचर्स के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं है। सही है, द मॉलिक्यूल या कंपाउंड में भी अ प्लेनर और नॉन प्लेनर, द मॉलिक्यूल जो आपका मॉलिक्यूल है ना इज मे बी अ प्लेनर, ये प्लेनर भी हो सकता है और मे नॉट, और ये प्लेनर नहीं भी हो सकता। तो ये चंद एक चीज़ें याद रखिएगा, ये हमारे पास ट्यूटोमरिज्म के बारे में डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू शो द फिनोमेना ऑफ ट्यूटोमरिज्म। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ट्यूटोमरिज्म की डिफरेंट टाइप्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।